What's up, common squad, and welcome back to a brand new common Raj video. और आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा मसाला लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा. Market! क्योंकि आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड टू पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स. जैसे भारत में भारतीय न्यूज चैनलों ने आतंक मचा रखा है, वैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तानी न्यूज चैनलों ने जीना हराम कर रखा है. तो स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिट एज हेल. अब यार तुम्हें क्या लगता है कि देश दुनिया की खबरें तुम्हारे घर तक पहुंचाना कोई आसान बात है? नहीं यार, न्यूज पहुंचाते पहुंचाते बेचारों के ऊपर बाइक चढ़ जाती है. ये नजारा जो है एक एक करके, और फिर चलिए बहुत बहुत खुश रहिए, हैप्पी होली. कि देखा आपने कि जान ही चली जाए. अब यार ये दुर्घटना होने के बाद पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर इतना घबरा गए कि आते जाते मोटरसाइकिल वालों को नमस्ते बोल देते हैं. तमाम पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं और शहर भर में स्याह झंडे और रंडी का बच्चा. अब यार हम जब इतना डीप आ चुके हैं तो इट्स टाइम टू मीट पाकिस्तान के लेजेंड खौफनाक रिपोर्टर आमिन हफीज से. मिलिए लाहौर के आमिन हफीज से. आमिन हफीज को सिर्फ दो चीजें पसंद है, एक तो जानवर 20,000 और दूसरी बकचोदी. नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहे भैया, इस आदमी को जानवर बहुत पसंद है. मतलब यार भैंस का इंटरव्यू लिया था यार इसने. आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? ये गाय शायद ये नहीं, मतलब तुमने कभी देखी है भैंसों जैसी दिखने वाली गाय? अगर नहीं देखी तो आमिन हफीज से कांटेक्ट करो, इनकी तो वैसे भी जानवरों से बहुत जान पहचान है. ये गधा खुशी से फूले नहीं समा रहा. नहीं मतलब मैंने उड़ के आना है और मैंने इसका सर ऐसे घुमा देना है, ऐसे ऐसे. और भैया बच्चोदी, उसकी तो कोई लेवल ही नहीं है इस इंसान के अंदर. बहुत से लोग लस्सी पीते होंगे, बच्चों में और बड़ों में सब में यकसा मकबूल है. बेटे आप यहाँ पर क्या करने आते हो? नहीं मतलब क्या करने आए हो? अबे इंसान की कोकिला मोदी, 12 साल का लड़का, हाथ में लस्सी की गिलास, लस्सी की दुकान पे, और यहाँ तक कि तेरे हाथ में भी लस्सी की गिलास है, तो क्या करने आया होगा? मैं यहाँ पर गांजा फूकने आता हूँ, फूकोगे? वो इतने मोटे और अभी भी लस्सी पीते, और मोटे हो जाओगे. अभी अगर मैंने तेरे पेट में जोर से घुसंडी मारी ना तो आप ऐसे चलोगे. क्या बात है, मतलब पाकिस्तान में इस जहरीली लोमड़ी का इतना आतंक है कि इसे देख के लड़के इंग्लिश भूल जाते हैं. मैम आई डोंट नो के डबल सवारी लगी है. आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो. आई सी दिस न्यूज बट आई डोंट. अब भैया जब इंग्लिश की बात आ चुकी है तो क्यों ना तुम्हें पाकिस्तान के खूंखार रिपोर्टर से मिलाऊं जिनकी इंग्लिश सुन के तो अंग्रेज भी घबरा गया. यू एलिगेशन यू आर ड्रिंक? नो ऑफ कोर्स नॉट. I don't drink. I don't. Only because I'm Christian, I don't drink. No, you are medical last week. You are driving. You are driving. Yes, I'm driving my own car. You are driving. Yes. Why? You are drunk. I'm not drunk. I'm driving my car. I don't drink alcohol. You drink. You please drink to hospital. You drink? No, I don't drink. I don't drink anyway. Nani, you come to hospital. Oye, hoye, tera fake accent. Nahi yaar, ek minute ke liye to main confused ho gaya ki yaar angrez kaun hai, ye ki wo. Are bhaiya, jab banda 50 baar keh chuka hai ki he was not drunk, to yaar baat manne ka kya loge? Uski jaan ya uski? You are in a situation. Ke you drink or normal? You drink or normal? Ke you drink or normal? Bhai, ab agar ye angrez mar gaya to iska qatil sirf ye insaan hoga. Market. और कुछ रिपोर्टर्स तो इतने एक्साइटेड है आप तक खबर पहुंचाने के लिए कि बेचारे घर के इश्यूज टीवी पे सॉल्व करते हैं. कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ? वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो. मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार. तुम्हीं से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? किस टोन क्या बदतमीजी की है जाहिल? तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे. अजीब, इसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे भाई. और भैया उनके हेल्थ केयर शोज वो तो इतने खतरनाक है कि उनके बारे में मैं क्या कहूँ. नहीं मतलब अगर एक बीमार इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो क्या कहता है? डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है. अरे मगर यहाँ पर तो अलग ही बकचोदी चल रही है. हेलो, वालेकुम सलाम. कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद विलायत बात कर रहा हूँ जी, चांदगढ़ से. जी क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ. डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं? देसी न्यूज बकचोदी का फर्स्ट पार्ट देखना है तो इस इन्फो पे क्लिक करो, वो इंडियन चैनलों के ऊपर बेस है तो पक्का देखना. हाँ माना कि वो कमेंट्री वीडियो तो तुम उसमें मेरा थोड़ा नहीं देख पाओगे, और ये एवरेज का थोड़ा तुम्हें देखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नीचे आईडी आ रही है. गाइस थोड़े दिनों पहले यूट्यूब के ऊपर मैं ऐसे वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो आई फाउंड दिस यूनिक चैनल. यार ये बंदा 6 सालों से गरीबों की सेवा कर रहा है, यू कहूँ तो कई सारे लोग की मदद कर रहा है. मगर जब मैं इसके चैनल के ऊपर गया तो मुझे मालूम चला कि यार इसे बहुत ही कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमें इसे सपोर्ट करना बनता है.
आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू यार प्लीज वॉच इस चैनल एंड सब्सक्राइब टू इस चैनल बिकॉज यार ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो कि दूसरे लोग की हेल्प करते हैं और ये बंदा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और 6 साल से करने की कोशिश कर रहा है और यू कहूं तो नीडी लोग की हेल्प कर रहा है जिन लोग को सहायता चाहिए उन लोग की हेल्प कर रहा है तो यार हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि यार ऐसे नेक बंदे बहुत ही कम होते हैं जो कि दूसरे लोग की हेल्प करते हैं और अगर ऐसे लोग की हम लोग हेल्प ना करें तो बेचारे टूट जाएंगे अंदर से तो प्लीज हेल्प करो। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो अगर पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन और प्लीज लाइक कर दिया करो तुम लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है यू नो ना प्लीज लाइक करो है ना और कमेंट करो कि यार तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट करो कि यार तुम्हें पार्ट 3 चाहिए कि नहीं चाहिए कमेंट करो एंड इफ यू न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड बी पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज कॉमन स्क्वाड मिलके आग लगा देगा ब्रो और यार बाजू में घंटी का बटन है उसको दबा दो और फर्स्ट लिखो कमेंट के अंदर कि तुम्हें माता रानी आशीर्वाद देगी और क्या होगा और फर्स्ट लिखने से और क्या होता है माता रानी आशीर्वाद देती है तो देगी तो प्लीज बेल का बटन दबा दो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे टिल देन नमस्कार यू ऑसम पीपल।